दोस्तों राजस्थान के सियासी संकट में अभी भी हाईकोर्ट के अंदर बहस जारी है। आप सभी को पता है आज तीसरा दिन है, लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। दो दिन तो सैटरडे संडे रहा तो बीच में सुनवाई टल गई थी, आज पूरे दिन अभी भी सुनवाई जारी है, अभी तक कोई जजमेंट नहीं आ पाया है। लेकिन अभी अभी CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से गहलोत सरकार को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में CPIM की तरफ से ऐलान किया गया है। साथ ही साथ जो 18 विधायक कांग्रेस पार्टी से बागी हुए हैं, सचिन पायलट खेमे पर गए हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी का अब बड़ा बयान आया है और बड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। क्या कुछ कहा गया है और क्या CPIM की तरफ से ऐलान किया गया है, यह हम एक-एक करके आपको जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि दोस्तों राजस्थान में जिस तरह की राजनीति हो रही है यह हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, अगर आप ऐसी राजनीति का विरोध करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना विरोध जरूर दर्ज कर लीजिए। दोस्तों सुबह से ही हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी CPIM की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि जो दो उनके विधायक हैं वो अशोक गहलोत को अपना समर्थन देंगे। यानी कि जो कवायद ये तेज हो रही थी और ये लगा या उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो अशोक गहलोत की तरफ ही जाएंगे और वैसा ही हुआ। अब उन्होंने खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि BJP चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है और देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और मौका आया तो हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से हमने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है उसी तरह से हम अभी भी अशोक गहलोत सरकार के साथ में हैं, यानी कि CPIM का भी साथ अब अशोक गहलोत सरकार को मिल चुका है। वहीं जो दूसरी बड़ी खबर वो है 18 विधायकों को लेकर के, अशोक गहलोत ने कुछ देर पहले ही अभी मीडिया के सामने आए और उन्होंने सचिन पायलट के ऊपर हमला बोला। उन्होंने बताया कि सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी के पीठ में छुरा भोंका है और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था क्योंकि बहुत कम उम्र में उनको हमने बहुत सारे पद दिए लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब जो 18 विधायक हैं उन पे बड़ी कार्रवाई की जाएगी और अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, यानी कि अब कांग्रेस पार्टी ने यह मन बना लिया है जितने भी 18 बागी विधायक हैं उनको पार्टी से बर्खास्त किया जाएगा। और अगर बात करें हाईकोर्ट की तो जो अभी तक समीकरण दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा ही है, विधानसभा स्पीकर के फैसले पर मुहर लग सकती है, यानी कि सचिन पायलट को बड़ा झटका लग सकता है। आप किस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।